तर ही चुके हैं, हम बस दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और बीच में हमने गाड़ी रोकी है। हमारे पहाड़ी रास्ता है, नीचे उतरने का रास्ता है, तो हम लोग यहाँ पे गाड़ी रोक दी है थोड़ी देर के लिए। और चलिए बीच में मैं आप लोग को ग्रीन वैली दिखाती हूँ। ये यहाँ पे बहुत ही मतलब मशहूर है। यहाँ पे देखिए बहुत लोग जो है फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, यहाँ पे कोई वीडियोस बना रहा है, कोई फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे ग्रीन वैली, इसको ग्रीन वैली बोलते हैं शिमला का। और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी खड़े हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे देखिए खड़े हैं और ये नीचे एकदम नीचे जस्ट पूरी खाई अंदर। बाप रे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे खड़े होने में भी। तो बस जल्दी से इसको भी कैमरा में लेके फिर चल निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे, सलामत होंगे। तो आज बस निकलना है और मैंने आप लोग को दिखाया पीछे कि हम लोग बस में रास्ते में उतरे थे बीच में और वहाँ पे हम लोगों ने मैंने आप लोग को ग्रीन वैली दिखाई और बस फिर से हमारी बस जो है वो रुकी है। यहाँ पे देखिए हम लोग चाय पी रहे हैं। देखिए मौसम बहुत अच्छा हुआ है, यहाँ पे ठंडा मौसम हुआ है। सामने हमारी बस खड़ी है और घर के फैमिली मेम्बर्स हैं सब, सब लोग ब्रेक ले रहे हैं। यहाँ पे फरीद नहीं बोलते खाने के लिए। हाँ जान, अस्सलाम वालेकुम। चलो बैठते हैं चाय पी लेते हैं। और ये हमारे बिस्किट आ गए, बिस्किट आ गए, ये चाय है तो मैं इसको खा देती हूँ। उसको संभाल के चाय अच्छी लग रही है, वहाँ खराब पिए थे इसलिए आज की चाय। अब आना ही कहा है शिमला होटल, अब शिमला आना ही कहा है, तो लास्ट नहीं आऊंगी। अब अगला लड्डन आएंगे मनाली। ये हम बाहर चाय पी रहे थे और ये हम अंदर आ चुके हैं ढाबे में और यहाँ भी बाहर का व्यू देखते हैं। माशाल्लाह यहाँ भी खूबसूरत व्यू है, अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ भी बहुत अच्छा व्यू है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मौसम तो बहुत ही अच्छा है, हम शिमला में मौसम बहुत बढ़िया है, ठंड है रात को और दिन में हल्की हल्की सर्दी है, अच्छा लग रहा है। रात को तो बहुत ठंड है। चलो हम चाय पी चुके हैं और चलते हैं अब बस के अंदर। ये हमारी बस है, यहाँ पे चलते हैं अब। शाम तक दिल्ली भी पहुँचना है हमको, शाम को दिल्ली पहुंचना है। क्या बोल रही तू? हम उतर चुके हैं चंडीगढ़ में और इतनी धूप इतनी गर्मी देख सकते हैं। हम लोग को परसों के बाद आज धूप देखने को मिला है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम था, ठंडा था, लेकिन यहाँ वही गर्मी और वही धूप वापस आ गई है। और खाना खाने उतरे हैं, चलते हैं अंदर। सब लोग घर के लोग हैं और सब लोग जा रहे हैं अब खाना खाने, नीचे उतर रहे हैं। आयन तुम ठीक हो? चक्कर उक्कर तो नहीं आया? इतना इतना लंबा सफर करके चक्कर उक्कर तो नहीं आया? नहीं नहीं, फ्रेश व्रेश हो लो थोड़ा। चलते हैं अंदर, ये रहा ढाबा और ढाबे के अंदर चलते हैं। बच्चे जो है 2 दिन से सिर्फ वेज खाना खाए थे, आज उन लोगों का कुछ अलग मन कर रहा है खाने का, नॉन वेज वगैरह। बाकी देखते हैं अंदर क्या है, किसी को छोला भटूरा, किसी को कुछ खाने का मन कर रहा है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ पे क्या खाने के लिए। चलो बेटा, ये है हमारा ढाबा। हम चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं, दोपहर का लंच का टाइम हुआ है और बस खाना निकल रहा है यहाँ पे। दोपहर को बच गया था 3:30 बस में, तो सबको भूख लग गई, तो अब हम सब बैठ चुके हैं यहाँ पे और खाना ऑर्डर हुआ है, खाना आ रहा है। कश्मीर की सेटिंग हो गया। अरे इनकी मौलाना साहब से जब भी तरावी नहीं पढ़ा रहे पहाड़ 3 बजे हम लोग नीचे आए। रख दो भैया यहाँ पे, ये लो सलाद, ये हमारी लस्सी है साथ में। खाना बहुत ही टेस्टी है, बहुत टेस्टी खाना है, ये हमारी लस्सी है।
माशाल्लाह लस्सी और ये रोटी बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना है। चुके हैं, हाथ धो लेते हैं, आ जाओ फ्री। तो खाना बहुत ही अच्छा था क्योंकि दो दिन शिमला में खाए, लेकिन उतना टेस्टी खाना मुझे नहीं लगा जितना मुझे यहाँ का लगा। और इस होटल का नाम है A1 वैष्णो पंजाबी ढाबा, बहुत ही अच्छा खाना था। और यहाँ पे गार्डनिंग भी देखिए बहुत ही अच्छी है, तो शाम के टाइम यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लगता होगा, शायद मैं तो हूँ नहीं लेकिन बहुत अच्छा लगता होगा। अब चलते हैं बस में, फिर शाम हो रही है, अपने घर भी जाने का टाइम हो रहा है, निकल ही चुके हैं, जल्दी पहुँच जाएंगे अल्लाह इंशाल्लाह, 7-8 बजे तक तो 7-8 बजे तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जल्दी। चलो चलते हैं फिर। और बस हम लोग जो हैं तो यहाँ पे खाना खा के जो है तो निकल चुके हैं घर के लिए, और रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, हम लोग बहुत ज़्यादा तक गए थे, और बस हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे अब घर। तो हम लोग आ चुके हैं और बस जस्ट हम लोग घुसे ही हैं घर में, और मैं इस व्लॉग को एंड करने जा रही थी क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और रास्ते भर बैठ के आना बस में कोई मामूली बात नहीं होती, 7-8 घंटे लग गए, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सही सलामत अल्लाह का शुक्र है अपने घर आ गए। तो शिमला में ठीक लगा, अच्छा लगा, मौसम अच्छा है, ठंडा है, और वादियां हैं सारी, वहाँ पे पहाड़ है, कुफरी जो है पहाड़ पे सारा रास्ता बना हुआ है, आप लोग पहाड़ पे, आप लोग भी कभी जाइए, हो सकता है बहुत लोग गए हों लेकिन आप लोग भी जाइए, जो नहीं गए उनके लिए बता रही हूँ, पहाड़ है, पहाड़ी रास्ता है वहाँ पे जो है, तो अच्छे अच्छे वो है व्यूज मिलेंगे देखने, हाँ व्यूज देखने मिलेंगे आपको, हरी हरी वादियाँ हैं, और ठंडी मौसम है वहाँ पे, हाँ सेब के जो है वहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, और मौसम भी ठंडा है, बहुत अच्छा लगता है। और हम लोग जहाँ पे रुके थे वो बहुत ही ऊपर था, बहुत ऊपर था, पूरा 4 घंटे तो हम लोग चढ़े ऊपर पहाड़ पे गए, हाँ हम लोग को पूरा 4 घंटा चढ़ने में लग गया, और बहुत ज्यादा थक गए हैं। तो चलो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज प्लीज फॉलो मी, आप लोग वीडियो से बने रहिएगा मेरे, और लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भाई और बहनों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, तो अल्लाह हाफिज़, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, कल मिलते हैं।